करना है और स्कोर इनका भी बहुत स्लो चल रहा है। मुझे वो टेंशन ही नहीं है विराट। ओ माय गॉड, गाली मार के क्या विराट। ये चीज ये अमान अमान की तरह है, धमान की तरह ही। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा इनके शॉर्ट्स देखने में। तो इसी बात पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स तो कर दिया करें यार कोई शॉर्ट अच्छा लगे। अगर लेकिन इनकी शादी हुई है हमारे नए नए है, इनकी स्माइल देखिए, नौशाद भाई का इंटरव्यू लेने वाले। नौशाद भाई बहुत टाइम बाद है ना क्रिकेट खेलना है और ये राइजिंग स्टार को ऑन करते हैं। और नौशाद भाई, तो नौशाद भाई क्या प्रेडिक्शन है मैच के हवाले से भी? काफी टाइम बाद सब खेल रहे हैं, टूर्नामेंट अभी खत्म हुआ है, टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा रिदम में आने में टाइम लगेगा। सही कोशिश करना, लास्ट मैच आप लोग जीत गए थे, फिर एक संडे का गैप आ गया, फिर अब दोबारा मैच, तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है और देखेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। और अभी अमान हमारा ओपनिंग कर रहे हैं और उनके साथ जैद भाई। जैद भाई आप कह रहे थे कि मेरे लगी हुई है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप तो ओपनर जा रहे हैं, टीम भी नॉर्मल नजर आ रही है। और ये हमारे कैफ जो कि आप लास्ट संडे हम इनकी सेंचुरी मिस कर गए, क्योंकि बहुत ही कोई क्लास की इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। कैफ जैसे अभी आपके लगी हुई है तो आपको क्या प्रेडिक्शन है कि एक राइजिंग स्टार आपके बगैर? विराट कोहली हमारे पास, मुझे वो टेंशन ही नहीं है विराट। ओ माय गॉड, गाली मार के क्या विराट। इस तरह इसके हवाले से अभी जैद भाई हैं, अमान भाई के बारे में क्या करें, लेजेंड खिलाड़ी हमारी टीम के, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ समझाया, लेजेंडरी प्लेयर हैं, बहुत बड़े हैं, ज्यादा लेजेंड। देख सकते हैं हम अमान भाई यार है, ये ओपनर जा रहे हैं बहुत टाइम बाद। असल में शर्जील खान भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा मैं भी बहुत अच्छे चलूंगा, ऐसा ही थी ना। शर्जील खान जैसे ही बिल्कुल ये कदम ये भी नहीं निकालते। वन एंड ओनली हमारे हफीज भाई, जो के इनके डिसीजन वाकई बड़े मजेदार होते हैं और होते ना एलबी वो ही देते हैं बस। तो ये हमारे हफीज भाई है और अब इंशाल्लाह ये हमारे पूरे मैच को कवर करने वाले हैं, इनके साथ साथ हम भी जाने वाले हैं। विनेत भाई आ गए, लास्ट सेमीफाइनल में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। साथ भाई कुछ बोल दे, बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से आज हमारी टीम आज आपको बहुत ऊपर खेलने का मौका, बहुत कुछ बोलने तो दे, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं, करके दिखाते हैं, वो सुबह करके आ गए। ये चीज मजा आनी चाहिए, जबरदस्त ये चीज, ये अमान अमान की तरह है, धमान की तरह। ये फर्स्ट बॉल स्टार्ट हो गई है और अब्दुल रजा पहली बॉल कर रहे हैं, और ये अब्दुल्ला और ये एम्पायर का इशारा वाइट। सेकंड बॉल, सेकंड बॉल, ओह और ये आउट, बहुत जबरदस्त। दूसरी बॉल पे पहले विकेट अमान की। इंडियन के विराट कोहली हैं और इनके काली मार्केट के विराट कोहली हैं, आप देख सकते हैं इनका स्टाइल देखें, इनका एग्रेशन देखें, कॉपी टू विराट कोहली हैं, बस ये काली मार्केट के हैं। तो विराट भाई क्या आपको लग रही है एक्सपेक्टेशन है? तो आज मुझे लग रहा है कि कुछ बनाएंगे आप। बॉल तो सही उठा, आगे आगे कर रहा है विराट भाई, दूसरी बॉल पे पहली विकेट ले लिया अमान की, जो कि लास्ट बॉल करने आए और ये देखना पड़ेगा, और ये चार, नौ रन ले लिए। और ये ऐसा नहीं है कि साथ को नहीं पता था, साथ को पता था, इसने जान करके वहां पे शॉट खेला, क्योंकि जो फील्डर था ना वो होशियार नहीं था। तो साथ देखिए, बस यही क्वालिटीज हैं जो हमारे व्यूअर्स को भा जाती है। सेकंड बॉल और एक अच्छी प्लेस और देखना पड़ेगा, सिंगल रन आएगा तो साथ तेज करने आए हैं और शॉट खेल दिया साथ ने, दो रन मिलेंगे, फील्डर ने अच्छी एफर्ट करी और दो रन पे रोका। चौथी बॉल करने आए हैं और ये आउट, डाउन आ चुके हैं हमारे कैफ अरशद और लगने दोनों हैं, दोनों की लगी हुई, दोनों ने बोला था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इतने होशियार है, बैटिंग मिली ना आ गए दोनों। और सिंगल रन अपनी लास्ट बॉल करते हुए और एक खूबसूरत शॉट जैद की जानिब से और ये फोर रन। तो भाई दो ओवर 22 रन हो चुके हैं हमारी टीम के और दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, स्कोर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, तकरीबन हमारे 11-11 रन है एक एक ओवर में। तो कैफ और सैफ खेल रहे हैं और सेकंड बॉल और ये चार, करंट चार, दो बॉलों में चार रन आ चुके हैं और एक अच्छा शॉट, डॉट बॉल, अच्छी बॉल, कह सकता है दोनों लंगड़े, दोनों नाटक कर रहे, तीन रन भाग गए अभी मैं झूठो नहीं आ रहा अभी।
और एक खूबसूरत शॉट सिंगल रन देखने को मिले। तो भाई 4 ओवर हो चुके हैं और 44 रन है और वही 11 रन का एवरेज चल रहा है क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 2 विकेट होने के बाद अभी दो लड़के माशाल्लाह से डट के खेल रहे हैं भाई, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा इनके शॉट्स देखने में। तो इसी बात पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स तो कर दिया करें यार कोई शॉट अच्छा लगे अगर। और ये 4 थर्ड मैन की तरफ, तो भाई 3 ओवर 32 रन है और बहुत अच्छा स्कोर लेके चल रहे हैं हमारे प्लेयर जैद और कैफ। अभी भी शॉट, खूबसूरत शॉट, खूबसूरत ड्राइव आप देख सकते हैं कैफ की एक्स्ट्रा कवर पे। तो इसी के साथ साथ 36 रन हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह से 3 ओवर में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे लड़के। काफी कौन बॉलिंग करने हैं, नाम कहेंगे उमेर भाई बॉलिंग करने हैं जिनका मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखना पड़ेगा। और एक अच्छी बॉल और एक भाई कहां खड़े हुए यार, और ये 4 रन भाई, और ये मिड ऑफ पे बहुत ही खूबसूरत चौका मारा। परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे लग रहा है कि 200 प्लस होंगे हमारे रन। और एक अच्छी बॉल थी, ब्रेक आउट किया था, मिस कर रहे हैं। और एक खूबसूरत शॉट देखना पड़ेगा, कोई रन नहीं आया है। कवर ड्राइव जो कि बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव मारते हैं, होती है ना परफेक्शन के साथ, शॉट हो गया 4 रन भाई। और ये छठा बॉल और खूबसूरत शॉट कैफ की जानिब से, बहुत ही खूबसूरत शॉट देखना पड़ेगा। और ये 4 रन अपनी चौथी पांचवी बॉल करते हुए, और एक देखो हो सिंगल रन देखने को, लास्ट बॉल करते हुए और ये 4। तो भाई 5 ओवर 58 रन है जो कि भाई बहुत तेज, मतलब जिस तरीके से अपना कल कामरान अकमल और शर्जील खान खेल रहे थे उसी तरीके से हमारे रजियन स्टार खेल लिए। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे 200 प्लस रन बनाते जो कि कभी नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर, वो हो जाएगा। ये हमारे वाटरमैन आता है आप देख सकते हैं, ये भी एक गजब बेइज्जती नहीं, ये वाटरमैन है हमारे, अभी हमें पानी पिलाएंगे। और भाई आ गए हैं मेहर भाई, कंटिन्यू कर रहे हैं और टीम को लेके चल रहे हैं बकायदा। मुझे तो ये कैप्टन लग रहा है इस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस ओवर में ये कुछ दिखा दें शायद, ऊपर आओ तुम या फिर कैफ इनकी इधर मेरी तरफ। हमारे ऐसे प्लेयर हैं कि कोई भी नहीं टिक पाता इनके। वो खूबसूरत कैच, बहुत ही प्यारा कैच लेते हुए मैंने बहुत ही अच्छा कैच पिक किया है कैफ का। बाकी मेरी नजर लग गई, मैं कुछ कह रहा था ना आपको, अभी मैंने कुछ थोड़ी सी प्रेडिक्शन की थी और देखो प्रेडिक्शन पूरी हो गई। और वो जो है ना, क्या बोलते हो सर भाई, ये जो है ना आपने जो है ना कैप को जो है ना नजर लगाया, आपने बोला कि कैप जो है ना ऐसे बैट्समैन है को उसको जो है ना कोई आउट नहीं कर सकता, इसको माशाल्लाह जमान इंशाल्लाह। लेकिन लेकिन सही में मैंने ये भी बोला था कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उमर भाई कोई कमाल करने वाले, कमाल करने, लेकिन कैच भी अच्छा पकड़े कैच यार, नो डाउट बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, बहुत अच्छा। बैट करने की बारी तो आ गई है, अब देखना पड़ेगा कि कुछ रन भी कर दें हम अपने व्यूअर्स के लिए। और मुशारिक भाई ने पेड किए हैं, मुशारिक भाई के बाद ही हमारा नंबर लगेगा, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि कुछ रन करके दिखा दें हम भी। अभी अहद और जैद बैटिंग पर गए हैं, तो फाइनली पेड वगैरह कर लिया मैंने बस। अच्छा सर, अभी मैंने जो एक चीज जज किया ना, जो खेल रहा तूने पहले सोच रहा था ना मैं एक्स्ट्रा कवर पे उठा के मारूंगा, सोच के थोड़ी खेलते बाहर कर रहा था, हर गेंद बाहर कर रहा था, एक को उसने 4 गेंदें बाहर करी, फिर मेरा जो एक शॉट गया वो भी उसने बाहर ही करी, तो कमा रहा था। ये गलती करी तूने पहले से सोच लिया था ना, हर दफा तो सोचता, हर दफा तो मना करता हूँ, ये नहीं सोचा था। और अमान तूने भी सोचा था कि मैं अब चौका मारने की ट्राई कर लेता हूँ, 2 बोले डोट हो, ये तो वो तो पीछे के लिए लेते हैं, सोचने से क्या होता है यार, असल में बता दिया अभी देखें। ये हमारे वो ये साथ भाई आप दो हफ्ते पहले हम इनके लिए रूम वूम सजा रहे थे, माशाल्लाह इनकी शादी हुई है हमारे नए में, इनकी स्माइल देखे आ रही, मेरे को शर्म आ रही, ग्लोसी आ रही, देखिए ग्लोरिंग गर्ल क्या लगा भाई, इस पे लगा। तो अहद और जैद बैटिंग कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं टीम को। तो 14 ओवर हो चुके हैं और 146 रन है, जो कि स्कोर बहुत स्लो हो चुका है, दोनों थक चुके हैं बुरी तरीके से। मुशारिक भाई का इंतजार है क्योंकि एक मुशारिक भाई तो ऐसा प्लेयर है और नुशाद भाई भी बहुत तेज खेलने वाले हैं, लेकिन मुशारिक भाई ऐसे हैं क्योंकि अभी ये कंटिन्यूसली बिल्कुल ऐसा ही इनके साथ, और अभी ये मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं 2-3 हफ्ते से।
तो अब देखना पड़ेगा कि ये आज कैसा खेलते हैं, क्योंकि ये यूज्ड टू है। खूबसूरत, और ये देखना पड़ेगा, कैच तो ये पकड़ेंगे नहीं, चार हो गया, बहुत प्यार है, आ रहा है 50 करने, सही है मुशारिफ, समझ रहा है ना। और ये देखना पड़ेगा, हाथ बहुत तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो तेज नहीं खेल पा रहे। हाँ तो आउट हो गया, आओ आजा आजा। तो मजीद उनसे और नहीं खेला जा रहा, जैसे थक गए बहुत बुरी तरीके से। नहीं नहीं कैच पकड़ने की यही है, जिस तरह 40 बॉल पे माशाल्लाह ने जैद ने 61 रन बनाया, क्लैपिंग तो हो जाए यार लड़के के लिए। बहुत अच्छे बॉयज, बहुत अच्छे यार, शाबाश जैद, शाबाश, बेहतरीन यार, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। और ये खूबसूरत शॉट, पाए लेग की जानिब से फोर रन, कहाँ से आ गए चोको यार, शारिक भाई की तरफ से 6 रन, सिंगल। तो भाई आप देख रहे हैं लेग बाय का 4 हो गया, नेक्स्ट प्लेयर मुशाद आउट हो चुका है, नेक्स्ट प्लेयर देखना पड़ेगा कौन आता है, नौशाद भाई किसको भेजने वाले हैं, फुल कमाने की कोशिश करेंगे और टीम के रन अच्छे करने की कोशिश करेंगे। और बॉलर्स भी हमारे पे काफ़ी सारे आ गए हैं, और उमर शकील, वो मुसफ शकील जो कि बैटिंग करने आए, मुसफ शकील बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दो 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 शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत माने जाने वाले एम्पायर हैं हमारे हफीज भाई, लास्ट के वो चल रहे हैं, 19 ओवर है और 3 बॉल हो चुकी हैं। ओके ओके, देखते हैं सबने बहुत अच्छे, अपने पास रख लो,
अरे यार दो बचे लास्ट بتلاوه ستارت ہو گئی انا فر الله والفس ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا میرا نے اپنے بنی نواسی اور رول تھوڑا سا کم رہ گیا 200 پلس جانتا بیٹسمین ان کے دو تین اچھے ہیں بس ان کو پکڑ لیں گے شروع میں پھر تو میچ ایک طرف ہو جائے گا کیچ سے گرانا پڑے گا तो भाई देख ले हमें कितने रन बनाने और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इनको जल्द से रोकें सामने रेड बैक के उमर मिर्जा और मुबशिर भाई विकेट पर आ चुके हैं और फर्स्ट ओवर कराना है जुनैद राइट आर्म ओवर राइट आर्म फास्ट बॉलर जो के सेकेंड ओवर करते हुए अच्छी बॉल और यॉर्कर मार दिया उमर को बहुत ही खूबसूरत जुनैद गुज्जर ओके बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर और कार्जन स्टार्ट्स में थोड़ी सी हिम्मत जागी है उमर भाई के आउट होते ही रेड बैग के सलमान खान और स्ट्रेट शॉट देखना पड़ेगा और ये फोर रन स्टार्ट करते हुए सलमान अली उस्मान अली उस्मान अली ने पहली बॉल में बहुत ही उम्दा शॉट खेला स्ट्रेट ड्राइव अच्छी बॉल बहुत अच्छी बॉल अपील का मुजाहरा एम्पायर की तरफ से नो रिस्पॉन्स थर्ड ओवर के पहला बॉल अच्छा बॉल और देखना पड़ेगा के कैफ कैफ तो कहते हैं कैच छोड़ता नहीं है और ये उसी तरह ही हुआ और बहुत अच्छा कैच लिया और अमान के नाम एक और विकेट आई और ये अमान का जो क्या कहते मोमेंटम बढ़ता हुआ और दोबारा मैच में आ रहे हैं रेड बैक के और एक और ये कैच छोड़ दिया वरना ये भी बहुत अच्छा कैच हो सकता था जुनैद के लिए जुनैद ने कैच मिस कर दिया और अमान की विकेट फिर गई तीन विकेट अमान ने ले चुके हैं लेकिन उनका बैट लग ये हुआ कि दो कैच छूट गया और एक कैच क्योंकि हर जगह तो कैफ है नहीं वेल बॉल है बॉय अमान शेरियार आए और अमान बहुत अच्छी बॉल कर रहे ओ बहुत अच्छी बॉल अमान बहुत रिदम में आ चुके हैं जैसे ही और कागजान स्टार भी रिदम में आ चुके हैं अभी देखना थोड़ा सन्नाटा लग रहा है अभी मैं फील्डिंग पे जाने वाला हूँ बस आप चेक कीजिएगा फिर टीम का मोमेंटम ही कुछ और हो जाएगा तो उस्मान खान और शेरियार की बहुत अच्छी और ये देखना पड़ेगा स्ट्रेट ड्राइव से फोर रन खूब से शॉर्ट स्ट्रेट चौका बनता था शेरी की तरफ से स्ट्रेट ड्राइव अच्छा शॉट था और लास्ट बॉल अमान करने आए हैं और ये देखना पड़ेगा फाइनल लेग पर शाहरुख भाई हैं और पेयर के इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बॉल रोका और चार बचाया और सिंगल रन से ओवर का समाप्त किया तो भाई चार ओवर 33 रन है और दो आउट कर चुके हैं हम लोग शेरियार और उस्मान खान रेड बैक के खेल रहे हैं जुनैद से हम कंटिन्यूसली चौथा ओवर करवा रहे हैं क्योंकि दोनों ओवर बहुत अच्छे करे इन्होंने और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस ओवर में विकेट लेकर दिखाएंगे क्योंकि हमारे कैप्टन की यही है कि एक और विकेट आनी चाहिए आ गए हैं पोजीशन जमा ली है और ये अच्छा शॉट देखना पड़ेगा उस्मान खान फेस कर रहे हैं और जुनैद अपना दूसरा बॉल करने आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बॉल का मुजाहरा कर रहे हैं और खूबसूरत डॉट बॉल और जुनैद फुल एग्रेशन में नजर आ रहे हैं और फुल एग्रेशन दिखाते हुए उस्मान खान को और यही ताकड़ा सबको पसंद आता है और काजन स्टार रिदम में आते हुए इनके प्लेयर्स कवर के जानिब से शेरियार थोड़ी बाहर बॉल कर दी थी इन्होंने इस वजह से चौका आ गया अमान खान अब तो भाई इन्होंने सोच लिया कि मैं इस बॉल पे छक्का लाजमी मारूंगा ओ लेकिन नहीं लगा
जैसे बॉल बीट होती जा रही है वैसे वैसे इनके जो दिमाग का टेम्परेचर है ना वो ऊपर होता जा रहा है, और अब इन्होंने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए और देखना पड़ा कि हमें विकेट की अब बहुत जरूरत है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा जम चुके हैं और ये मुशारिक की तरफ एक कैच और देखना पड़ेगा। और खुद मुशारिक ने वापिस काजन स्टार को मैच के अंदर लेकर आए और काजन स्टार वाकई बड़ी खुश हो रही है और बस यही है। बहुत अच्छा कैच पिक किया और शेरियार को आउट किया, क्योंकि शेरियार बहुत अच्छा खेल रहे थे, रेड बैक को दोबारा बैक कर रहे थे और इसी तरह काजन स्टार ने और हमारे कैप्टन की जो स्ट्रेटजी थी कामयाब हो गई है। तो फाइनली शाहरुख भाई ने भी विकेट ले लिए। एम्पायर का कहना है बारिश आ रही है और लाइट बैड हो रही है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। जहीर भाई ये हमारे बहुत क्या कहते हैं पापी पापी को क्या कहते हैं इंग्लिश में यार, ये तो आपको बताना चाहिए था, बहुत पापी एम्पायर है, मतलब इनसे गलती के ना जो चांस है ना वो 99.9 जी बिल्कुल। अबे अलीमदार हम उनमें मिलाते हैं उनको, चेक करो तो ये हमारे सही भाई। पानी 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 जल्दी। और भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है जरा बताइए हमें। प्लेयर नेम फैजान भाई फेस कर रहे हैं और शाहरुख भाई बॉल कराते हुए, और देखना पड़ेगा क्योंकि वो ये फुल हीट के उससे ही आए हैं। तीसरा बॉल करते हुए उमर के पास है, कोई रन नहीं आएगा। गुड बॉल है शाहरुख, शाहरुख भाई फैजान फेस कर रहे हैं। और सारे शॉट और एक्स्ट्रा ओवर पॉइंट अच्छे सर वो बहुत माशाल्लाह से ज्यादा प्रेशर इन लोगों के ऊपर आता रहेगा। शाहरुख भाई अपना लास्ट बॉल करने जा रहे हैं और अपना भी पहली बॉल करते हैं, बहुत ही बैड बॉल एम्पायर का नौशाद भाई सब चेक करते हुए, इनकी एक यही बात है कि वो हर प्लेयर को चांस देते हैं। दूसरा बॉल करते हुए सेकेंड बॉल शाहरुख भाई का फैजान फेस कर रहे हैं, उस्मान खान ने सिंगल दिया है और ये लॉन्ग ऑन पे देखना पड़ेगा, कैफ मौजूद है तो बाउंड्री है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो सिंगल मिलता है इस बॉल के साथ बनाने 189 का हदफ इनको पूरा करना है और स्कोर इनका भी बहुत स्लो चल रहा है। और बहुत अच्छा कैच लिया, बड़ी खुशी हो रही है कि फाइनली कैच लिया, कोई कुछ तो हमारे टीम में कंट्रीब्यूट हो और ये नौशाद भाई की तरफ से नहीं है, हाथ की तरफ देखना पड़ेगा, सिंगल रन मिलेगा और हाय हाय सिंगल हो जाता मतलब। और वेदर कंडीशन ऐसी है कि अनकरीब बारिश हो सकती है
और जल्द से जल्द हमें मैच खेलना है कि मैच हमारे हाथ में है। और ये शाहरुख भाई एम्पायर को क्रॉस किया और फैजान भाई फुल फोर देते हुए सिंगल रन मिलेगा कैफ दे लोगों अभी तक जब भी इनको ओवर दिया है और विकेट उन्होंने ली है तो एक ये बहुत अच्छी बात है शाहरुख भाई की, जहां हम फंसते हैं वहां हम शाहरुख भाई कराते हैं क्योंकि अंदर इनके अंदर ही क्वालिटी है ले लेते हैं। और फेस कर रहे हैं प्लेयर नेम नाम और आहत भाई 10 ओवर 81 रन है 10 ओवर्स हो गए हैं हाफ चे वो अपना हाफ चेंज हो चुका है और पहले हम इस साइड से कर रहे थे अब उस साइड से करेंगे। तो ये हमारे अमान भाई जो कि बहुत अच्छा हमारे कैमरा मैन है कैफ भाई ये बहुत असल में हमारी टीम के वो कहते हैं ना हाँ बैट बैक है क्योंकि बहुत और ये खूब और ये एम्पायर को क्रॉस किया और ये एक्स्ट्रा कवर पे खूबसूरत शॉट आठ नीचे है लेकिन 4 रन यस भाई कागजन स्टार के लिए विकेट टेकर और फैजान भाई की विकेट लेनी थी हमें और शाहरुख भाई ने वो करके दिखा दिया एक पिक्चर तो लो यार तेरे बेटिया यार एक पिक्चर ले ले सबके सबके इधर बैठो अमन जल्दी आ एक पिक्चर ले ले बस बैठ नीचे जल्दी आ जल्दी आखिरी पिक्चर हो रही है। तो भाई मजा तो ये होता है मैच जीतने के बाद फिर इतना जबरदस्त मौसम और 1.5 साल बाद ये लोग समोसे लेकर आ गए मुझे पता था मैंने पहले ये बात बोली रश हो रहा था मारो एक दूसरे को मारो ठंडे मौसम में ये गरम गरम समोसा एक समोसा एक रायता तो इधर दे दो दे रहा हूँ ना ये पकड़ो पहले भी लोग गरम गरम मिल गया ना चलो भाई आप पी लो खाना खाने का टाइम स्टार्ट हो चुका तो हम समोसा खाएंगे गार्डन गार्डन हो रही है सबने भाई एक रायते।